हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आपके नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से। ठीक है, हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, और जहाँ से हमने टॉप किया था हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियर फिजन वह नाभिकीय प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है, मतलब एक भारी जो नाभिक है वो क्या करता है, दो पार्ट में टूटता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। ठीक है, फिजन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले नाभिकीय विखंडन मतलब फिजन अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रॉसमैन एवं हान द्वारा दिखाया गया था। किसके द्वारा, स्ट्रॉसमैन और हान के द्वारा दिखाया गया था। जब यूरेनियम-235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो पाया कि यूरेनियम के नाभिक दो खंडों में विभाजित हो गए। ठीक है, दूसरा क्या है, चेन रिएक्शन। जब यूरेनियम यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की गई तो एक यूरेनियम नाभिकों के विखंडन के पर बहुत अधिक ऊर्जा व तीन नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यह उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं। इस प्रकार यूरेनियम नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दो में टूटे ये, अब ये भी दो में टूटेंगे, ये भी दो में टूटेंगे, फिर ये भी दो में टूटेंगे। समझ आए, इस प्रकार से आपके ये जो आपके जो इस प्रकार के जो नाभिकीय विखंडन है वो होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में तीन नए निकलने वाले न्यूट्रॉन पर नियंत्रित नहीं होता, जिसका कारण क्या है, नाभिकों के विखंडन की दर 1:3927 के अनुसार होती है। फलस्वरूप ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है तथा बहुत कम समय से बहुत अधिक विनाश कर सकती है। इस अभिक्रिया को प्रचंड विस्फोट होता है। परमाणु बम में यही प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, एटम बम की अगर हम बात करेंगे तो जी रॉबर्ट ओपनहायर के निर्देशन में अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम-92U-235, प्लूटोनियम-94Pu-239 का प्रयोग किया जाता है। यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएसए के द्वारा जापान के विरुद्ध किया गया था, जिसमें 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, फिर आता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, यह अभिक्रिया धीरे धीरे होती है। ठीक है, तथा इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में यह अभिक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, एटॉमिक पाइल या फिर एटॉमिक रिएक्टर में सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित अगर हम महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम-235 प्लूटोनियम-239 का प्रयोग किया गया। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल ग्रेफाइट का प्रयोग किया गया। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। ठीक है, रिएक्टर में कंट्रोल रॉड्स होती हैं जो कि कैडमियम या बोरोन की बनी होती है। ठीक है, उपयोग होता है इसकी सहायता से नाभिक के विखंडन के द्वारा निकलने वाले तीन नए न्यूट्रॉन में से दो को अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए रिएक्टर के अनेक प्रकार के समस्थानिक उत्पन्न किए जाते हैं, जिसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान कृषि आदि में किया जाता है। ठीक है, फिर आता है नाभिकीय फ्यूजन। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, वह अत्यंत ऊर्जा विमुक्त करते हैं, तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कहते हैं। 1H2 1H3 गिव्स 2H4 0N1 + 17.6 MeV। ठीक है, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। नाभिकों को संलयन करने के लिए करीब 10⁸ केल्विन के उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बम की बात करेंगे हम। हाइड्रोजन बम का इसका विकास किसने किया, एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया। यह नाभिकीय संलयन फ्यूजन पर आधारित है। यह बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, परमाणु बम की अपेक्षा हाइड्रोजन बम क्या होता है, 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं
ब्रह्मांड की डिस्कशन हम लोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है उसमें हम लोगों ने ब्रह्मांड से रिलेटेड पहले ही पूरा का पूरा पोर्शन पढ़ा हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये सारा का सारा कंटेंट वहीं से उठाया हुआ है। ठीक है, तारामंडल के बारे में भी हमने वहां पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, स्टार कैसे बने, उनकी बर्थ कैसे हुई। अब हम लोग बेसिकली देखते हैं इसके विविध के ऊपर। ठीक है, विविध में हम लोग देखेंगे कि जो जो अलग अलग छोटे छोटे जो डिवाइसेस हैं उनका क्या है, या जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक्यूमुलेटर इस प्रकार का इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। ठीक है, इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जाता है। एरोमीटर उपकरण वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। अल्टीमीटर इसका उपयोग उड़ते समय विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। अमीटर इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। एनियोमीटर यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। ठीक है, फिर आया ऑडियोमीटर, यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम आता है। फिर आया ऑडियोफोन, इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इसका उपयोग लघु धारा माइक्रो एम्पियर को नापते हैं। बैरोग्राफ, इसका उपयोग इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। बैरोमीटर यह उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है। बाइनोकुलर यह उपकरण दूर की वस्तुएं देखने के काम आता है। कैलिपर्स इसके द्वारा बेलना बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तुओं की मोटाई भी मापी जाती है। कैलोरोमीटर, ठीक है, यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए काम में आता है। कार्बोरेटर, इस उपकरण का उपयोग अंत दहन पेट्रोल इंजन से होता है। इस यंत्र में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण होता है। कार्डियोग्राफ, ठीक है, यह हृदय की गति मापने के लिए आता है। क्रोनोमीटर, यह जलयानों पर लगा होता है, इस सही समय का पता लगता है। सिनेमाटोग्राफी, ठीक है, इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगाकर प्रोजेक्शन के लिए प्रयोग करते हैं। कंपास बॉक्स, इससे आपके उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। कंप्यूटर, ये गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है, इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने के लिए होता है। ठीक है, फिर क्या है, साइक्लोट्रॉन, इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण प्रोटोन इत्यादि के बारे में त्वरित किया जाता है। डेंसिटी मीटर, यह घनत्व ज्ञात करने के लिए। डिक्टोफोन, इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। नपन मापी, यह नमन कोण मापने के लिए। डायनोमीटर, यह यंत्र इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए। एपीडियोस्कोप, ठीक है, इसका उपयोग किस यंत्र का उपयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फेदोमीटर से। ठीक है, फेदोमीटर हम लोग देखते हैं कि यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने के काम आता है। कैल्वेनोमीटर, यह यंत्र उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के लिए होता है। जीएम काउंटर, यह आपके रेडियो एक्टिव स्रोतों के विकिरण की गणना करने के लिए होता है। गेबी मीटर, यह यंत्र पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए होता है। गायरोस्कोप, ठीक है, इस यंत्र में घूमती हुई वस्तुओं की गति के लिए होता है। हाइड्रोस्कोप, यह उपकरण के द्वारा द्रव का अपेक्षित घनत्व होता है। हाइड्रोफोन, पानी के अंदर ध्वनि तरंग की गणना करने के लिए। हाइग्रोमीटर, यह वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए। स्क्रू गेज, इसका उपयोग बारीक तरंगों के व्यास नापने के काम किया जाता है। टेलीस्कोप, टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाई पड़ती है कैलिडोस्कोप के कारण। लाइटनिंग कंडक्टर, यह ऊंची इमारतों के ऊपर ऊंचे भागों पर लगा होता है जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमारतें सुरक्षित रहती हैं। मेगाफोन, ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने के लिए। मैनोमीटर, दाब ज्ञात करने के लिए। ताप माइक्रोफोन, एक प्रकार का पैमाना जिसकी सहायता से मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात कर सकते हैं। माइक्रोफोन, यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है, अतः जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें इस क्रम उपकरण से देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोटोन,
किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम आता है, जिसमें सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। ओडोमीटर पहली पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के लिए। ओसिलोग्राफ विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने के लिए। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है, जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी में ऊपर दृश्य दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पायरोमीटर की, दूर स्थित वस्तुओं को ताप ज्ञात करने का यंत्र। फोनोग्राफी ध्वनि लेखन के काम में आने वाला उपकरण। फोनोग्राफी फोटामीटर, दो स्रोतों को प्रदीपन तीव्रता तुलना करने का काम करता है। फोटो टेलीग्राफी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाला उपकरण। साइटोट्रोन, यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला है। रडार, यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए होता है। रेन गेज, यह वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण है। रेडियोमीटर, यह यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। रेडियो टेलीस्कोप, यह एक ऐसा उदाहरण है जिसकी सहायता से दो स्थानों की घटनाओं के बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। रेफ्रेक्टो स्पेक्ट्रोमीटर, यह पारदर्शी माध्यम को अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। सीस्मोग्राफ, इससे भूकंप का पता लगाते हैं। सेफ्टी लैंप, प्रकाश के लिए खाने में उपयोग होने वाला उपकरण है। सेक्सो टैंक, तो ऊंचाई वाली मीनार आदि को बीच में नापने के लिए। स्ट्रेबोस्कोप, ठीक है, अपरिवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से प्राप्त करते हैं। स्पीडोमीटर, गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण जो कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा होता है। सबमरीन, ने पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलायन जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञात होता है। सेप्रोमीटर, ठीक है, यह गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम आता है। बिस्कोमीटर, यह द्रव्य की सघनता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। टेलीफोटोग्राफी, इसकी सहायता से गतिशील वस्तुओं के चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किए जाते हैं। टेली प्रिंटर, समाचार प्राप्त करने का उपकरण, इसकी सहायता स्वतः ही समाचार टाइप होते हैं। ठीक है, टेलेक्स, इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचार का सीधा आदान प्रदान होता है। टेलीस्कोप, इसका उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है। टेलेस्टर, यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीप के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थगित कर दिया था। ठीक है, थर्मोस्टेट, इसका प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जा सकता है। थियोडोलाइट, एक अनुप्रस्थ एवं लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण। ठीक है, फिर आया एक्सियोमीटर, सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण। ठीक है, फिर आया आपका होवरक्राफ्ट, एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी कुशेंस पर चलता है। यह साधारणतः भूमि, दलदली, बर्फी मैदान, रेगिस्तान पर तीव्र गति से भाग सकता है। इस वाहन का भूमि से संपर्क नहीं होता। टैकोमीटर, वायुयान एवं मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भौतिकी संबंधी जो महत्वपूर्ण खोज की गई है वो किस किसने की है। परमाणु की अगर बात करें तो जॉन डॉल्टन ने 1808 में की है। परमाणु संरचना की अगर बात करें, नील बोहर, रदरफोर्ड ने 1913 में। ठीक है, गति विषयक नियम की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन ने 1687 में। रेडियो एक्टिव हेनरी बेकल, रेडियम मैडम क्यूरी, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण माइकल फेराडे, रमन इफेक्ट सीबी रमन, एक्सरे विलहेम बोल्जर, क्वांटम प्रिंसिपल मैक्स प्लैंक, विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन, विद्युत आकर्षण के नियम कूलम्स, फोटोग्राफी जे निप्सो, फोटोग्राफी डब्ल्यू फॉक्स डबलेट, फोटोग्राफी फिल्म में जॉन कार्बेट, आबर्ट सारणिक मेंडलीव्स, विद्युत प्रतिरोध के नियम जी एस ओम्स, तैरने के नियम आर्किमिडीज, तापमान उत्सर्जन एडिशन, डायोड बल्ब सर जे एस फ्लेमिंग, ट्रायोड बल्ब एल डी फॉरेस्ट, नाभिकीय रिएक्टर एनरिक फर्मी, विद्युत अपघटन के नियम फैराडे, बेतार का तार मार्कोनी। ठीक है, ये इस प्रकार से आपके अलग अलग ही आपके इस प्रकार से लोगों ने डिस्कवरीज की है। माप तोल के विभिन्न मात्रक देखें, लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, कार्य ऊर्जा जूल, विद्युत धारा एम्पियर, ऊष्मगतिक ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, कोण रेडियम, ठोस कोण स्टेरॉइड रेडियन, बल न्यूटन, क्षेत्रफल वर्ग मीटर, आयतन घन मीटर, चाल प्रति मीटर प्रति सेकंड, कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड, आवर्ति हर्ट्ज, जड़त्व अघूर्ण किलोग्राम वर्ग मीटर, संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, आवेग न्यूटन सेकंड, कोणीय संवेग
किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड, दाब पास्कल शक्ति वाट प्लस तनाव न्यूटन प्रति मीटर, सघनता न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर, ऊष्म चालकता वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, आदेश विद्युत आवेश कूलम्स विभवांतर वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध ओम्स, विद्युत धारिता फेराड, प्रेरक हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, ज्योतिष फ्लक्स पिलियोमेन, प्रदीप्ति घनत्व लक्स, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम्स, बैरोमीटर को ईटोर से ली है, विद्युत बैटरी को एलसैंड्रो वोल्टा ने, बाइसिकल को के मैकविलन ने, बाइसिकल टायर को जॉन डनलप ने, बाई फोकल लेंस को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यूएसए ने 1780 में, ठीक है। मुंशन बर्नर रॉबर्ट मुंशन ने जर्मनी 1855, कंप्यूटर चार्ल बेविस, क्रिस्कोग्राफ जेसी बोस, कॉस्मिक रेज विक्टर हेज, कार्बन पेपर रॉल्फ बेजपुट, कार निकोलस कुगनेट, कार आंतरिक दहन सैमुअल ब्राउन्स, कार कार्ल बेंच, कार्बोरेटर जी डेमलर, कटाई मशीन सैमुअल क्रॉम्पटन, कारपेट स्वीपर ठीक है, मेलबिल बिसेल, क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन, घड़ी यांत्रिक आई सिंह व लियोंग सेंग, घड़ी पेंडुलम क्रिश्चियन ह्यूगेंस, डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल, डायनमो माइकल फैराडे, डेंटल प्लेट एंथनी प्लेटसन, डिस्क ब्रेक एफ लेचेस्टर, डीसी मोटर जेनेवो ग्रामो, एसी मोटर निकोला टेस्ला, इलेक्ट्रोमैग्नेट विलियम स्टर्डन, फिल्म मूक चलचित्र लुई ली प्रिंस, फिल्म बाग चलचित्र जे मुसोली बा हैंस बागट, फिल्म एल डी फॉरेस्ट, फाउंटेन पेन लेविस वाटरमैन, कैल्विनो मीटर हेनरी मैरी एम्फियर, गैस लाइटनिंग विलियम मार्डक, ग्लाइडर जॉर्ज केले, ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिशन, कायरो कंपास सर एल्पर स्पेरी, गिगर मुलर काउंटर हिंसकर, गैस फायर फिलिप लेवन, लाउड स्पीकर ऑरेंज शॉट, लॉगरिथमिक जॉन नेपियर, नायलन डॉक्टर वैलिस क्रेयश, सेफ्टी पिन वॉल्टर हैंड, स्कॉच टेप रिचर्ड डॉ, श्वेता चालक चार्ल्स कैटरिंग, स्लाइडर पैमाना विलियम ऑफ ट्रेड, स्काई स्किपर विलियम जेनी, स्टील हेनरी बेसमर, सुपर कंडक्टिविटी एच के ओनेस लिंक, स्टीम इंजन जेम्स वॉट, स्टीम इंजन थाम न्यूकोमैन, सेल्यूलाइट अलेक्जेंडर पार्क, सेफ्टी मैच जॉन वॉकर, सेफ्टी लैम हेम्फ्री डेबी, सीमेंट जोजेफ अर्गडीन, सिनेमा लाउस निकोलस और लाउ लुमियारी, ट्रैक्टर रॉबर्ट फार्मिच, हरपीडो रॉबर्ट, हाइल ईटेड हेट टैंक सर अंड्रेस स्ट्रीडन, टेलीग्राफ एम लेमन, टेलीग्राफ कोड सैमुएल्स मोर्स, टेलीविजन ग्राम बेल, हेलीकॉप्टर पॉल कार्नो, फ्रांस का स्कूटर जी ब्रॉडशा, ग्रहों की गति ग्रहों की खोज कैपलर, सौरमंडल कॉपरनिकस, जेट इंजन व्हाइट बिटले, साइक्लोट्रॉन लॉरेंस, माइक्रोमीटर विलियम कोजिन, थॉमस फ्लक्स डेबर, लोकोमेटिक रिचर्ड ट्रिकेटिक, लिनोनियम फ्रेडरिक वर्ल्टन, लाइटनिंग कंडक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन, लिफ्ट यांत्रिक लेजर थियोडोर मेनन, रिकॉर्ड डॉक्टर पीटर गोल्डमार्क, रिवॉल्वर सैमुअल कोर्ट, रबर वल्कनीकृत चार्ल्स गुडियर, रबर जलरोधी चार्ल्स मैकनीटोस, रबर टायर थॉमस हॉनकॉक, रबर पौधे वाली डनलप, रबर कंपनी रेफ्रिजरेटर हैरिसन एंड टेनिंग, लेजर सेफ्टी किंग जिलेट, लेजर इलेक्ट्रिक जेकब सिख, रेडियो टेलीग्राफी जी मार्कोनी, प्रिंटिंग टेलीग्राफी डेविड एडवर्ड ह्यूज, रडार रॉबर्ट वॉटसन वॉट, पैश्चुरीकरण लुई पास्कल, पकिक मीटर कार्लटन मैगी, प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग, प्रोपोलर जलायन, प्लास्टिक अलेक्जेंडर पार्कस, पैरासूट जीन पीआरए, पेपर मुलबेरी, प्रेशर कुकर टेनिस पेपन, प्रकाश का बेग रोमर, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, माइक्रोफोन ग्राम बेल, मोटरसाइकिल जी डेमलर, माइक्रोस्कोप जेड जॉनसन, माइक्रोप्रोसेसर एम ई होप, मानचित्र सुमेरियन द्वारा, मशीन गन जेम्स पास्कल, हॉबरक्राफ्ट सर क्रिस्टोफर कॉकरेल, विद्युत पंखा व्हीलर ने, पनडुब्बी डेविस बुशनेल ने, बिल्डिंग बेल्डिंग मशीन विद्युत एलिसा थॉमसन ने, वॉशिंग मशीन हार्ले मशीन कंपनी ने, ट्रांसफॉर्मर माइकल फैराडे ने, थर्मामीटर डैनियल गैब्रियल ने, थर्मोस्टेट इसको गैलीलियो ने, टाइपराइटर पेलिग्रिन टेरी इत्यादि ने। ये आपकी अलग अलग खोजें हैं, ठीक है। और इसी के साथ में आपका जो फिजिक्स का ल्यूशन पब्लिकेशन का जो पोर्शन है वह समाप्त हो गया है। थैंक यू, आई होप ये आपको बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच।